नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कोरोना की लड़ाई हर दिन खतरनाक होती जा रही, ना तो नए संक्रमित लोगों की संख्या कम हो रही है और ना ही मौतों का सिलसिला रुक रहा है। ऐसे में लोगों को एक उम्मीद की तलाश है, एक ऐसी दवाई की तलाश है जिससे लोगों में ये विश्वास पैदा हो कि इससे कोरोना को हराना काफी आसान है। अब लोगों में विश्वास पैदा करने और कोरोना को हराने की कोशिश में डीआरडीओ भी जुट गया। डीआरडीओ बोले तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अब जरा जानिए कि ये नई कोशिश क्या है, कोरोना को हराने का नया प्लान क्या है और क्या है वो दवाई। दरअसल डीआरडीओ की एक लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस ने कोरोना के लिए एक दवाई तैयार की। इस ओरल दवा 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज को भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। डीजीसीआई ने इसकी मंजूरी दी। डीआरडीओ की लैब ने इसे डॉक्टर रेड्डी की लैब के साथ मिलकर बनाई। दवा के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे बताते हैं कि जो दवा तैयार की जा रही है वो अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को ठीक करने में काफी सक्षम है। और इस दवाई की सबसे बड़ी खासियत ये बताई जा रही है कि ये मरीजों की ऑक्सीजन की जरूरत को भी कम करती है, जिसकी जरूरत आज की तारीख में सबसे ज्यादा है। साथ ही इसी दवाई के दम पर कोरोना को काफी हद तक ठीक किया गया। इस दवाई के बारे में जानने वाले बताते हैं कि ये दवाई लेने से कोरोना मरीजों की रिपोर्ट आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि ये दवाई आने वाले दिनों में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस दवाई को लेकर बताया जा रहा है कि अप्रैल 2020 में जब देश में कोरोना की पहली लहर आई थी, उसी दौरान INMAS डीआरडीओ वैज्ञानिकों ने हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से कुछ प्रयोग किए और धीरे धीरे जाना कि किस तरह से ये अणु प्रयोगशाला में प्रयोग किए गए और करीब से देखा कि SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ कैसे काम करता है और कोरोना को बढ़ने से रोकता है। जब इसके प्रभाव को लेकर चर्चा हुई थी तो डीजीसीआई ने मई 2020 में इस दवाई के दूसरे चरण के ट्रायल करने की मंजूरी दी थी। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज को दी गई। डीआरडीओ से जुड़ी दवाइयों को लेकर कई बातें कही गई, जैसे कि जब इसका तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा था तो दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच देश भर के 27 अस्पतालों को चुना गया, मरीजों को शामिल किया गया। बाद में नतीजा ये आया कि जिन लोगों को 2-डीजी दवा दी गई उनमें से 42% मरीजों को तीसरे ही दिन ऑक्सीजन पर कम निर्भर होना पड़ा, यानी बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ी। अब जरा दवाई के बारे में ये जानिए कि ये काम कैसे करेगी, यानी मरीज इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जान लीजिए कि ये दवा पाउडर के तौर पर आती है, जिसे पानी में घोला जाता है, जो शरीर में जाते ही कोशिकाओं में जमा हो जाती है। इस दवाई से अब काफी उम्मीदें जग गई और अगर ये दवाई वैसे ही काम करेगी जैसा कि दावा है तो वाकई में आने वाले दिनों में कोरोना की शामत आ जाएगी और लोगों को इस महामारी से बचने में काफी मदद मिलेगी।